इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान में बीजेपी व आरएसएस पहले नंबर की जबरदस्त जातिवादी पार्टी व संगठन भी है, जो पूरे देश में अभी भी यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार चल रहे हमारे दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को तो यहाँ खासकर शिक्षा व व्यापार आदि में तो किसी भी कीमत पर इन्हें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। और अब ये लोग इसके लिए आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी अपने इन वर्गों के लोगों के लिए पूरे देश में यहाँ सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र के लिए भी हर संघर्ष करती रहेगी, अर्थात इस मामले में कतई भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इसके साथ ही यहाँ मैं पूरे देशवासियों को ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब इस पार्टी के लोग व इनके रिश्ते नाते रातों रात धन्ना सीट बन जाते हैं तो वे उसे जायज़ ठहराते हैं, और यदि हमारे इन वंचित वर्गों में से कुछ लोग अपने खुद के कारोबार करने के मामले में थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो तब फिर इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और फिर वे सत्ता व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपना इनसे जातिवादी द्वेष निकालते हैं, जो जग जाहिर है वह अति निंदनीय भी है। यहाँ मैं इन वर्गों के ऊपर कुछ भी उंगली उठाने से पहले ही बीजेपी के लोगों से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि वे इस मामले में कुछ भी उंगली उठाने से पहले खुद भी अपने गिरेबान में ज़रूर झांक कर देखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर भी यदि वे अपने आप को हरिचंद मान के चलते हैं, पुराने ज़माने का कहते हम तो बहुत ईमानदार हैं, दूध के धुले हुए हैं, और फिर भी यदि वे अपने आप को हरिचंद मान के चलते हैं तो फिर वे एक बार यहाँ सभी की ये ज़रूर जांच करवा लें कि राजनीति में आने से पहले उनके व उनके परिवार वालों के पास कितनी संपत्ति थी और अब कितनी है, ताकि देश के सामने दूध का दूध व पानी का पानी साफ हो जाए। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी ख़ास तौर से बीजेपी के बारे में कि चुनाव के दौरान ये तो पेपरों में भी छपा है कि चुनाव के दौरान लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपए तो बीजेपी के बैंक खाते में आए हैं,